पोंटा साहिब के कुंभी वाला धर्माकोट गांव में सुरंग मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। पुलिस और वन विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि सुरंग किसने बनाई और सुरंग बनाने का उद्देश्य क्या है। सुरंग मिलने से धर्माकोट कुंभी वाला क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गांव की एक महिला ने बनाई जा रही एक सुरंग देखी। यह सुरंग ऐसे समय में बनाई जा रही है जब लोग कोरोना संक्रमण की दहशत से डरे हुए। कोरोना संक्रमण की खतरे के समय हालांकि कहीं भी आने जाने की पर पाबंदी है, लेकिन यहां कुछ लोग पिछले कई दिनों से लगातार खुदाई में लगे हुए थे। आज कुंभीवाला में एक हमें सुरंग मिली जिसमें करीबन 15-20 मीटर लंबी सुरंग खोदी गई है। रात करीबन 1:30 बजे लोग जो है वो जो सुरंग खोदने वाले थे वहां से भागे। मोटरसाइकिल पे कोई 3 मोटरसाइकिल में 2-2 करके आदमी आए थे और ये सुरंग कोई 15-20 मीटर लंबी सुरंग खोदी गई है। इसमें फिर हमने सूचित किया है पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। पुलिस भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी मौके पे आए और इसकी छानबीन कर रहे हैं। इस बात का अभी तक कोई मालूम नहीं चला कि ना मौके पे कोई हथियार मिले ना कोई ऐसा कोई उनका कोई भी यहाँ सामान मिला है, परंतु सुरंग है और वो 15-20 मीटर लंबी खोदी गई है। उनके मकसद का ये मालूम नहीं है कि वो किस मकसद से इसको ये खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जंगल में इस तरीके से खुदाई करना, ग्रामीणों में डर है कि क्या कारण हो सकता है और ग्रामीण डरे हुए हैं कि रात को 1:30 बजे तक लोग यहाँ आकर के इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो हमने ये सूचना जो है पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है। साथ ही BDO साहब भी मौके पर आए थे और सब ने इस मौके को देखा। अब देखते हैं कि आगे क्या है, उन जो लोग सुरंग खोदने वाले हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, कौन थे, कैसे थे।